तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो ब्रेड क्रम्ब इशू के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अब हम जान लेते हैं कि ब्रेड क्रम्ब होता क्या है, ये एक इशू होता है और वो आता क्यों है। ये ज़्यादातर प्रॉब्लम उसी टाइम आता है जब आप जो है फ्री की थीम यूज़ करते हो, तो उसी इशू को आज हम सॉल्व करेंगे। बहुत इजी तरीके से बताऊंगा, सिंपली आप जो है आपका इशू खुद ही सॉल्व कर सकते हो, आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ना ही तुम्हें किसी की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सिंपल सा इशू है, बट लोग बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर देते हैं कि बहुत कुछ इशू हो गया ऐसा। बहुत ही सिंपल सा है, मैं आज को इतने सिंपल तरीके से बताऊंगा कि आप इजीली खुद ही सॉल्व कर दोगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को जो है हम शुरू करते हैं। तो आ चुके हैं हम हमारे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। अभी जो है सिंपली आपको गूगल सर्च कंसोल ओपन कर लेना पड़ेगा, वहाँ पर ही तुम्हें देखेगा, नहीं तो आपको ईमेल भी आया होगा, वहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा कि क्या इशू है। तो यहाँ पे मैं मेरा ये सिंपली जो है ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ओपन कर लेने के बाद तुम देख सकते हो इसको मैंने फिक्स कर दिया है। तो अभी मैं आपको बताऊँगा, बहुत ईजी है, आप ईज़िली जो है इसको फिक्स कर सकते हो। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो ये तुम्हें इशू आ रहा होगा, तो यहाँ पर नीचे देखो, यहाँ पर तुम्हें जो URL है वो दिखाई देंगे। यहाँ पर तुम नीचे देख रहे हो, यहाँ पे दो अफेक्टेड पेजेस दिखा रहा है। ओके, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इसको मैं एक बार सेव कर देता हूँ। अभी मैंने सॉल्व किया है और अभी आपको मैं बताऊँगा सिंपली कि कैसे करना है। बहुत इजी है, आप इजीली कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये मेरा जो है ब्लॉगर का डैशबोर्ड है और ब्लॉगर के डैशबोर्ड में मैं अभी चलता हूँ थीम में। थीम में जाना है आपको और यहाँ पे सिंपली एडिट HTML पे क्लिक कर देना है। इतना तो आप कर ही लोगे, आपको इतना अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाने के बाद सिंपली यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, कहीं पर भी क्लिक कर देना है और Ctrl+F दबा देना है। Ctrl+F दबाने के बाद आपको इसमें टाइप करना है ब्रेड क्रम्ब। हमें इशू ब्रेड क्रम्ब का आ रहा है तो हम ब्रेड क्रम्ब ही सॉल्व करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे तुम्हें देख सकते हो ब्रेड क्रम आ चुका है। तो यहाँ पे ये तुम्हें छोड़ देना है, मैं जो बता रहा हूँ उसको ही आपको ध्यान देना है। ओके, ये फर्स्ट वाला हम छोड़ देते हैं, इसको हमें कुछ नहीं करना है। ओके, चलो अभी हम नीचे देखते हैं कहाँ कहाँ और ब्रेड क्रम लिखा हुआ है। तो नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर भी तुम्हें एक ब्रेड क्रम दिखाई देगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी तुम्हें कुछ भी करना नहीं है, यहाँ पर भी तुम्हें सिंपल सा छोड़ देना है, इसको भी कुछ करना नहीं है। यहाँ पर भी एक ब्रेड क्रम है, इसको भी कुछ करना नहीं है। नीचे आ जाते हैं हम, देखते हैं और कहाँ है ब्रेड क्रम लिखा हुआ। तो यहाँ पे नीचे आएंगे। हाँ, तो यहाँ पर देखो तुम, यहाँ पे जो तुम्हें दिख रहा है ब्रेड क्रम, और उसके सामने तुम्हें दिखाई दे रहा होगा XML यानी SV। मैं यहाँ पे आपको ये करके दिखाता हूँ, यहाँ पे ये देखो तुम, ये जो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मैंने स्कीमा लिखा हुआ है, तो आपके वहाँ पर data.org लिखा होगा, तो आपको उसको कट कर देना है। और उसमें ये देखो, यहाँ पे जो डाटा वोकैबुलरी लिखा है ना, ये आपके उसमें लिखा होगा, तो आपको उसी जगह पे डाटा वोकैबुलरी की के जगह पे आपको स्कीमा लिखना है। ओके, तो यहाँ पर जो है मैंने लिख दिया है, आपके इसमें डाटा वोकैबुलरी लिखा हुआ होगा वहाँ पर, तो आप क्या कर दीजिए, उस जगह पर स्कीमा लिख दीजिए। ओके, तो स्कीमा लिख देने के बाद यहाँ पर तुम्हें फिर से तुम्हारे गूगल सर्च कंसोल के डैशबोर्ड में आ जाना है। तो तुम्हें यहाँ पे वैलिडेट फिक्स का जो है बटन दिखाई देगा, तो उसके ऊपर जो है तुम्हें क्लिक कर देना है बाद में। तो उसके बाद जो है तुम्हारा जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। अभी मैंने सॉल्व किया है, जस्ट आज की डेट भी देख सकते हो तुम, अभी मैंने सॉल्व किया, तो अभी मुझे लगा कि आपको भी ये प्रॉब्लम आ सकता है, तो मुझे आपको बता देना चाहिए, इसके वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। तो यही था आज का वीडियो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी जोश और उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।